क्लास 12 के स्टूडेंट्स, फिजिक्स वर्मा सर निष्णात क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडेंसर्स पर हिसाब, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास 12 के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट, 100 बार परीक्षा में आया है, आगे भी आ सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दो संधारित्र समानांतर क्रम में है तो समतुल्य धारिता नौ माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है, उनकी अलग अलग धारिता निकाली। परीक्षा के ट्यूशन मत पढ़ाने लगिएगा। आपको बता दें, कंडेंसर अगर इस तरह जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल है, समानांतर क्रम, और समानांतर क्रम में सी इन पैरेलल C1+C2 होता है, और अगर कंडेंसर ऐसा जुड़ा हुआ है तो यह सीरीज है, और सीरीज में सी इन सीरीज बराबर C1+C2 होता है, या इसका फार्मूला 1/C = 1/C1+1/C2 होता है। इसी को जब आप लघुत्तम ले लेते हैं C1+C2 होता है, उलट देते हैं ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला और ये फार्मूला को पी जाना, अगर आप इसको पी लिए कंडेंसर का सब सवाल बन जाएगा सॉल्यूशन। मान लिए गए संधारित्र या संचक, जो वर्ड दे परीक्षा में, संचक की धारिता क्रमशः C1, C2 माइक्रोफैराड है और C1 बड़ा है C2, ऐसा मान, जब मानना ही है मान लिया, तो प्रश्न से सीन पैरेलल बराबर 9 माइक्रोफैराड, यानी C1+C2 = 9 माइक्रोफैराड, समीकरण नंबर 1। सी इन सीरीज बराबर 2 माइक्रोफैराड, यानी C1+C2 = 2 माइक्रोफैराड, यानी C1+C2 = 9 माइक्रोफैराड। इसलिए C1+C2 = 18 माइक्रोफैराड स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। चूंकि C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है C1+C2 का होल स्क्वायर -4C1C2, दिस इंप्लाइज दैट C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर -4 × 18 = 81 - 72 माइक्रोफैराड का स्क्वायर, यानी 9 माइक्रोफैराड का स्क्वायर। इसलिए C1 - C2 = 3 माइक्रोफैराड, समीकरण नंबर 3। अब चूंकि C1 + C2 = 9 माइक्रोफैराड और C1 - C2 = 3 माइक्रोफैराड, समीकरण 1, समीकरण 3 जोड़ने पर
ये कट गया, 2C1 बराबर 12 माइक्रोफैराड, इसलिए C1 बराबर 6 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 6 माइनस C1 बराबर 9 माइनस, क्योंकि आपका देखिए C1 जोड़ C2 बराबर 9 माइक्रोफैराड, तो 6 जोड़ C2 बराबर 9 माइक्रोफैराड, इसलिए C2 बराबर 3 माइक्रोफैराड, तो C1 बराबर 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, यही उत्तर हुआ। अगर हम C2 को C1 से मानते बड़ा तो ये निकलता 6, ये निकलता 3। इस तरह का सवाल रेजिस्टेंस वाला आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं और यही सवाल है क्लास 12 का, ये बराबर आता है, इसको कृपया ध्यान से पढ़िएगा। फिर देखते हैं हम अगले वीडियो।